नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा पुलिस फाइनल रिजल्ट कब आएगा और क्या आपकी कट ऑफ रहेगी, इसी पे हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कारा माजू सरकारी नौकरी में। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं दोस्तों, पीएसटी के लिए कट ऑफ क्या रहेगी, पीएसटी में कितने पास हुए, पीएमटी में कितने पास हुए, डीवी में कितने पास हुए और एक्स्ट्रा अंकों में से कितने मिले 20 में से। तो इन सभी क्वेश्चनों पर हम बात करेंगे। दोस्तों इससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये वो PDF है दोस्तों जो हमारे PST के लिए कट ऑफ गई थी, जो हमारे फिजिकल के लिए कट ऑफ कितनी गई थी। ये जर्नल की 53 जिनके नंबर थे, क्वेश्चन जिसके 53 क्वेश्चन थे और अदर स्टेट जर्नल में ही काउंट होते हैं, जिनके 53 क्वेश्चन थे उनको जर्नल में PST के लिए बुलाया गया था। BCA में जिन बच्चों के 53 क्वेश्चन थे उनको BCA में बुलाया गया है दोस्तों। BCB में दोस्तों जिनके 52 क्वेश्चन थे, प्लस कई बच्चे 57 बता रहे हैं दोस्तों, तो आप ये 52-57 में से जिनके क्वेश्चन ठीक थे उनके लिए बुलाया गया है। SC कैंडिडेट को 50 नंबर पर बुलाया गया है PST यानी कि फिजिकल टेस्ट के लिए, स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। एक्स सर्विसमैन 34 नंबर क्वेश्चन जर्नल वाले के लिए और 30 क्वेश्चन BCA कैंडिडेट। टोटल हमारी पोस्टें थी वो 5000 पोस्ट थी और जो कॉल्ड फॉर PST यानी कि जो फिजिकल के लिए बुलाया गया था वो 37,934 यानी कि करीबन आपके 38,000 कैंडिडेट आपको फिजिकल के लिए बुलाए गए थे। ये तो थी हमारी PST यानी कि PST फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए कैंडिडेटों को बुलाया गया था। आज हम बात करते हैं कितने कितने बच्चे उसमें पास हुए, ये आपके सभी। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे PST के लिए कितने लोग पास हुए वन बाय वन। यहाँ से मैं इसकी कॉलम को चेंज कर लेता हूँ जिससे कि आपको आसानी से दिख सके। 9 फरवरी 2019 को शुरू में 3,070 बच्चे पास हुए, काफ़ी कम बच्चे पास हुए दोस्तों। और 10 फरवरी को 4,030 बच्चे पास हुए और 11 फरवरी को 4,100 बच्चे पास हुए। 12 फरवरी को 4,159 बच्चे पास हुए। 13 फरवरी को 4,149 बच्चे पास हुए। 14 फरवरी को 5,140 बच्चे पास हुए और 15 फरवरी को 4,399 बच्चे पास हुए। 16 फरवरी अपसेंट थे बच्चे, उनको दोबारा मौका दिया गया था, उसमें 170 कैंडिडेट पास हुए। टोटल अगर इसका सम किया जाए तो आपका बनेगा ये 28,187 और टोटल बुलाए थे हमारे 37,934 बच्चे बुलाए गए थे। अगर आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा, 37,934 में से माइनस करेंगे हम 28,187 कैंडिडेट, तो 9,747 बच्चे आपको बाहर हुए हैं, ये फिजिकल नहीं कर पाए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं PMT। आखिर PMT है क्या दोस्तों, कई बच्चों का सवाल है। PMT है दोस्तों फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, यानी कि आपकी हाइट, आपकी चेस्ट इसके अंदर नापी जाती है, जिसे हम फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट कहते हैं। डीवी होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एक बात और आपको इस बात का पहले ही पता लग चुका होगा, जिन बच्चों का ग्रुप डी में नाम आया है उन्होंने चाहे ज्वाइन किया या नहीं किया, उनको 5 नंबर काट लिए जाएंगे जिससे कि हमारी कट ऑफ काफ़ी कम रहेगी। इसे एक फर्क पड़ा जिन बच्चों के, काफ़ी बच्चों ने हरियाणा पुलिस में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, इससे आपकी कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी। अब बात कर लेते हैं PMT में लगभग 90% सेलेक्ट हो रहे हैं, जो
10% अपसेंट हुए हैं वो पीएमटी में हुए हैं, किसी की हाइट या चेस्ट नहीं बैठी, तो लगभग 30,000 का 10% निकालेंगे तो आपको 3,000 निकलेगा, और 28,000 में से 3,000 माइनस करते हैं तो हमारे पास 25,000 कैंडिडेट बचते हैं, जो कि टोटल सीट के 5 गुना है, यानी कि 5,000 आपकी सीट हैं, अगर 5 गुना कैंडिडेट हैं तो आपका इसका इक्वल बैठेगा, यानी कि एक सीट पर 5 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, एक सीट पर 5 बच्चे फाइट कर रहे हैं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं साइको नंबर की, ये भी आपका क्वेश्चन है साइको नंबर। ये रहे दोस्तों आपके साइको एजुकेशन के नंबर, ठीक है दोस्तों, एजुकेशन के एकेडमिक नंबर बोलते हैं जिन्हें हम, एनसीसी दोस्तों 3 ग्रेड में होती है, ए बी सी, इसके लिए 1 नंबर, इसके लिए 2 नंबर, इसके लिए 3 नंबर मिलते हैं आपको। ठीक है, ये ग्रेड होती है, इसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलते हैं। पीजी को हम पोस्ट ग्रेजुएट बोलते हैं, इसके लिए भी आपको 3 नंबर मिलते हैं, 3 नंबर, एक सेकेंड रुकना दोस्तों आप, ये रहा दोस्तों आपका एनसीसी के हमने आपको बताया था, पीजी के भी 3 नंबर मिलेंगे आपको, और ग्रेजुएशन के आपको 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये 4 नंबर तो दोस्तों 80% कैंडिडेटों के पास होंगे। अब नेक्स्ट बात कर लें तो एसटी कैंडिडेट, हरियाणा में एसटी कैंडिडेट न के बराबर है तो एक दो इक्का दुक्का है, अदरवाइज नहीं है। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस, दोस्तों इसमें मोस्टली फ़ायदा एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को होगा, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को ही ज़्यादा मैक्सिमम फ़ायदा होगा, यानी कि जिसके पास, एक सेकेंड रुकना आप, जिसके पास 16 साल का एक्सपीरियंस है, हर साल का एक्सपीरियंस 0.5 होता है, ऐसे मिलाकर अगर हम निकालेंगे तो 5 × 10 = 2 × 16, यानी कि 8, ये 8 नंबर आपके एक्सपीरियंस के हैं, और विधवा और अर्बन, तो अर्बन में हो सकता है आपका मेल, तो विधवा क्या होगा, जिस कैंडिडेट का फादर की एज 42 और जो कैंडिडेट है उसकी लेस देन 15, यानी कि 15 से कम है, तो ही वो 5 नंबर ये वाले ले पाएगा, अदरवाइज वो 5 नंबर नहीं ले पाएगा। अब बात कर लेते हैं जॉब के 5 नंबर, ये रहे, इसमें दोस्तों उन बच्चों के नंबर जा चुके हैं जो डी ग्रुप में ज्वाइन है, उनके साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी हुई है दोस्तों, ये बात पहले नोटिस में नहीं थी, क्योंकि हरियाणा पुलिस का नोटिफिकेशन ग्रुप डी से पहले आया था, तो ये सलासर उन बच्चों के लिए अच्छा है जिनका ग्रुप डी में नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसका रिजल्ट कब आएगा, इसी बात पर हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों ये रहा फाइनल कट ऑफ मेल कॉन्स्टेबल, तो मेल कॉन्स्टेबल की ये जो कट ऑफ है, ये दोस्तों मैक्सिमम कट ऑफ है, इससे नीचे जाने के जान पूरे चांस है, ऊपर इससे 1 नंबर भी नहीं जाएगा या इससे कम रहेगी। ठीक है दोस्तों, ये मैक्सिमम बता रहे हैं हम आपको, तो हम जर्नल से शुरू करते हैं, और ये आंकड़े दोस्तों हम आपको कमेंट्स के आधार पे और सेंटर गवर्नमेंट, जो हमारा हरियाणा गवर्नमेंट और जो मेरे दोस्त एकेडमी से पूछकर बनाए गए बाय डाटा के आधार पर ये कट ऑफ है। तो जर्नल की जो कट ऑफ रहेगी, आपकी फाइनल की बात कर रहा हूँ, 60 से लेकर 61 नंबर के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी। बीसीबी की आपकी 58 से लेकर 60 तक, दोस्तों ये भी रह सकती है, ये इधर वाली सारी ये भी रह सकती है, लेकिन हम बात करें तो बीसीबी की 58 से 60 के बीच में। अब बात कर लेते हैं बीसीए की कट ऑफ, बीसीए की कट ऑफ आपकी रहेगी 55 से लेकर 58 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% है। एससी कैंडिडेट की जो फाइनल कट ऑफ है वो 52 से लेकर 54 नंबर के बीच जाएगी, इसमें आपके पूरे पूरे चांस है हरियाणा पुलिस में भर्ती होने के लिए। एक्स सर्विसमैन,
एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ रहेगी वो आपकी 42 से लेकर 45 नंबर के बीच में रहेगी। ठीक है, ये तो रही आपकी कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ मेल कॉन्स्टेबल जीडी के लिए। ये दोस्तों मैक्सिमम है, मैं फिर बता देता हूँ, ये मैक्सिमम है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट। तो काफ़ी बच्चों का सवाल है कि सर इसका रिजल्ट कब आएगा। दोस्तों आज 22 तारीख है और आज SI के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए हैं, इस बात का आपको पता है, इस पर हम आपको वीडियो बना के दे चुके हैं। आगे आने वाले 4 से 5 दिन में आपका रिजल्ट पक्का आ जाएगा। मेरा ये मानना है कि आपका रिजल्ट 25 तारीख तक आ जाएगा दोस्तों। 25 के अराउंड में आपका रिजल्ट हरियाणा मेल कॉन्स्टेबल जीडी का फाइनल रिजल्ट की बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं सिर्फ फाइनल रिजल्ट जो कि आपकी। और मैं एक बात कर लेता हूँ, इसका जो आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के लिए 5 ब्रांचें आपकी बना दी गई हैं। ठीक है, जिसमें आपका पंचकुला होगा, हिसार, जींद, अंबाला, कुरुक्षेत्र में आपके एक ही दिन में आपका मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा। तो काफ़ी जल्द ही ज्वाइनिंग दी जाएगी ग्रुप डी के, जैसे ग्रुप डी के 20 तारीख को रिजल्ट आया था और 22 तारीख को इसका डिपार्टमेंट अलर्ट हुआ था, और 22 के बाद ही तुरंत 22 को इसके ज्वाइनिंग दी जाने लगी इसको। तो दोस्तों मात्र 2 दिन का ही टाइम मिला था, तो उम्मीद है कि 25 को आपका रिजल्ट आता है तो आपकी यानी कि 1 मार्च तक हरियाणा पुलिस में ज्वाइनिंग हो जाएगी, ऐसा हम मानते हैं दोस्तों। भगवान करे आप ऐसा ही हुए और भाई आपको रोज़गार मिले, इसकी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे YouTube चैनल पर आएं और हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।